हेलो एवरीवन आज हम क्लास एलेवेंथ केमिस्ट्री यूनिट सेवन इक्विलिब्रियम का थर्ड पोर्शन पढ़ेंगे थर्ड वीडियो है ये हमारा इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस बिकॉज इज़ केमिस्ट्री तो जो केमिकल प्रोसेजेस हैं उसमें इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस

तो जो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन कैसे हो जाती है बच्चों कॉन्स्टेंट हो जाती है दिस इज द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और यहीं पर जो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है दिस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इसकी खास बात है डायनेमिक इन नेचर एज बोथ अपोजिंग या अपोजिट फोर्सेज आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन जनरल केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी विथ पैसेज ऑफ टाइम देर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी एंड डी एंड डिप्लेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी जैसे जैसे टाइम पास होता है देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी बनेगा और रिएक्टेंट कम होते जाएंगे दिस लीड्स द डिक्रीज इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ओके यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होती जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी नाउ सी इवन एक्चुअली द टू रिएक्शन अकर्स एट द सेम रेट एंड द सिस्टम रीचेज एट इक्विलिब्रियम यानी आप यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ में कि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा ये आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके रिएक्टेंट्स हैं सो वेन वी से ए प्लस बी कन्वर्ट्स इन टू सी प्लस डी ओके एट दिस स्टेज द प्रो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और अगेन जब इक्िब्रियम अटेन्ड करने लगेगा तो उसी स्पीड से सी ओ डी ए बी में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे सिमिलरली द रिएक्शन कैन रीच द स्टेट ऑफ इक्विब्रियम इवन इफ यू स्टार्ट विथ ओनली सी एन डी दैट इज नो ए एन बी बींग प्रजेंट इनिशियली एज ए इक्वलिब्रियम कैन बी रीच फ्रॉम एदर डायरेक्शन इक्विब्रियम का ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में जाएगा इफ़ यू स्टार्ट विथ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि सी डी से मैंने शुरू किया और मैं ए प्लस बी पे पहुँच गया तो ये क्लिब्रम यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, है ना ये ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं सो दिस इज वट वी कैन से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इन टू दीज आर द रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट सी एंड डी तो रिएक्टेंट की कंसनटेशन टाइम के साथ कम हो रही है ऐसे एंड जो प्रोडक्ट हैं उनकी कन्सनटे टाइम के साथ बढ़ रही है ओके okay? इक्विलिब्रियम पर दोनों की रेट इधर से इधर जाना इधर से इधर जाना इक्वल हो जाता है और यही इसके और ये कंटिन्यू रहता है इसीलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय है प्रोसेस ध्यान रखना बच्चों अमोनिया का बनना जो है वो हैबर्स प्रोसेस से होता है फ्रॉम एन टू एंड एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए एंड प्रेशर हाई होना चाहिए ये इस तरह लिखा जाएगा एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस टू टाइज ऑफ अमोनिया इनिशियली कंसनट्रेशन ऑफ एच टू एंड एन टू डिक्रीज होता है एंड अमोनिया धीरे धीरे इंक्रीज होता है आफ्टर सर्टेन टाइम डिपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉरी कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन सेम इवन दो रिएक्टेंट कैन स्टिल प्रजेंट रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट होगा प्रोजेक्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा लेकिन जो मिक्सचर का कंपोजिशन है वो सेम रहेगा दिस इज कॉन्स्टेंसी इन कंपोजिशन इंडिकेट द रिएक्शन हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम ऐसा क्यों होता है रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है ये तो तभी पॉसिबल है जब वहां पर क्या हो कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एन टू एन एच टू एंड प्रोडक्ट अमोनिया आर प्रेजेंट आप इस ग्राफ से देख सकते हैं डाई हाइड्रोजन जो कि रिएक्टेंट है डाई नाइट्रोजन जो कि क्या है हमारा ये भी रिएक्टेंट है और अमोनिया बच्चों ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ये भी यहाँ है तो रिएक्टेंट देखिए टाइम के साथ कम हो रहा है रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मैं कलर चेंज करके इसको बता देता हूँ ये टाइम के साथ बढ़ रहा है इसका मतलब इसका एग्जिस्ट करना इसका एग्जिस्ट करना और इसका एग्जिस्ट करना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक्वेरियम एग्जिस्ट कर रहा है ओके नाउ डायनेमिक नेचर ऑफ मींस कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नाउ सम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन सेम रिएक्शन कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर प्रेशर एंड यूजिंग डी टू ये जो रिएक्शन है अमोनिया की जगह में अमोनिया वाली रिएक्शन में हम हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम लेंगे ओके okay?

हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है और अमोनिया की जगह एनडी थ्री है आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेंड दी एंड टू एच टू एंड अमोनिया डी टू एंड एन डी थ्री टूगेदर एंड लेफ्ट फॉर ए वाइल्ड टू अचीव न्यू इक्विलिब्रियम उनको मिलाया और न्यू इक्विलिब्रियम जो है अचीव करने के लिए छोड़ दिया द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एनएच टू डी एन एच डी टू थ्री एंड एन डी थ्री

इक्विलिब्रियम दोनों तरीके से जैसे एन टू और एच टू मिलकर अमोनिया बनाए या अमोनिया के डिसंटीग्रेशन से या ब्रेकडाउन से एन टू और एच टू बने तो दोनों तरीके से अटेन किया जा सकता है एच टू और आई टू मिलकर टू एच आई बनाएंगे इफ यू स्टार्ट विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एच टू एंड आई टू द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द कंसनट्रेशन ऑफ एच टू एंड आई टू डिक्रीज वाइल दैट ऑफ एच आई

वी विल स्टडी ला ऑफ मा सैक्शन इक्वलिब्रियम इक्वेशन इक्विबरियम कॉन्स्टेंट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्वलिब्रियम थैंक यू